हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? मैं घुसा हुआ टीवी में, मैं बोल रही हूँ, सुनी नहीं रहा। मैं तो टीवी में बिजी हूँ। टीवी में बिजी है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अभी बच्चे हैं सुबह के 11। मैं पीने लगी हूँ चाय। सब गए काम पे। दीदी ने लगाई है मशीन। राधे राधे, कैसे आप लोग? कृष्णा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो टीवी में बिजी हूँ। सुबह सुबह ब्लॉग लगा के बैठ गया, पता नहीं किसके। हमारे तो देखता नहीं, लोगों के देखता रहता है। चलो फटाफट पीते हैं अपनी चाय और करते हैं काम। तो गाइस, यहाँ पे हो गया है हमारा मौसम बहुत ख़राब, एकदम काला। कभी भी बारिश आ सकती है। रोज़ ऐसे ही होता है, जब कृष्णा के ट्यूशन जाने का टाइम होता है ना, मौसम ख़राब हो जाता है और इसके मज़े आ जाते हैं। बारिश ना आए वरना तेरा ट्यूशन जाना कैंसिल हो जाएगा। बारिश ना आए बस। तो इसको सारी टेंशन है मौसम की। नहीं अभी आए नहीं, आएगी तो ताड़ लेंगे। एकदम काला मौसम हो गया। फाइनली दोस्तों, बारिश हो गई तेज, बहुत तेज। कृष्णा तुम्हारे तो मजे आ गए, ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। खाता लेके चला जा। ओ भाई साहब, बहुत तेज हो गई बारिश, मजा आ गया। ये पड़े कम से कम 4-5 घंटे पड़े ये बारिश, तब मजा आएगा, है ना कृष्णा? क्यों, ये बारिश ही अजीब हो रही है। अच्छा है, गर्मी नहीं रहेगी। ट्यूशन तो जाना पड़ेगा छाता लेके। नहीं मैं नहीं जा रहा। छाता लेके? नहीं मैं नहीं जा रहा छाता लेके, मजा नहीं आता। मैं नहीं जा रहा, कल चल ले सबको। टीवी बंद कर दे। मैंने देखा नहीं, रो क्यों रहा? स्कूल जाना है तब क्या करेगा? तभी स्कूल चले जाऊंगा। ट्यूशन तो फिर भी जाना पड़ेगा। ट्यूशन जाने में क्या होता है तुम्हें? टंकियां नहीं खत्म होती इसकी, गंदा बच्चा। तो गाइस, आज ये ट्यूशन तो गया नहीं, क्योंकि क्या जानकी नहीं गया, इतनी तेज भी नहीं बारिश थी, जा सकता था। तो अब करो घर पे पढ़ाई। बारिश हो रही थी तेज, इतनी तेज होता थी तो मैं चाह भी नहीं पाता सकती थी तुम्हारे पास। हो गया, हो गया नाटक खत्म, काम हो गया, काम कर चल जल्दी। हो गया, अभी एक पेज और करना है। इतना तो अभी दूसरे पेज पे। तो गाइस, बज चुके हैं शाम के 6। यहाँ पे हमने पी ली अपनी चाय। कृष्णा खेल रहा है अपने ट्रक से। ट्रक, ओ भाई साहब, ड्राइवर,
तो ड्राइवर ही बने वाला बड़ा मामा, मेरे पास तो टोटो लगा है। अच्छा जी, ये इसका फेवरेट है पर, ये कृष्णा का फेवरेट ट्रक है ना, ये इसके नानी जी लाए थे ना, इसलिए इसका फेवरेट है। ये तो बैठ भी जाता है, ऊपर आता बैठ के मज़ा आता है चलाने में। और सबसे अच्छी बात है ये लकड़ का है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस लकड़ का बना हुआ है। कुछ भी करते रहो, 3 साल हो गए एक यही चीज़ रहती है जो अभी तक टूटी नहीं है, बाकी इसमें सारे खिलौने तोड़ दिए, सिर्फ ट्रक बचा हुआ है ना, क्योंकि ये लकड़ का है इसलिए बचा हुआ है। और उसमें कोई सेल नहीं डलते, कुछ नहीं। सबसे अच्छा लगता है मुझे, सबसे अच्छा है ना। और क्या है, हाँ ये भी नहीं टूटता, ये तो हम वृंदावन से लाए थे ना, नहीं वृंदावन से नहीं लाए थे, वहाँ से लाए थे, क्या नाम है जहाँ शनि महाराज के मंदिर गए थे, कोशी पता नहीं ऐसा कुछ नाम है वहाँ पे शनि महाराज का मंदिर है, हाँ वृंदावन से आते हुए लाए थे वहाँ से। ये दोनों चीज़ें लकड़ की हैं, दोनों सबसे अच्छी लगती हैं क्योंकि ये टूटती नहीं है और ना इनमें कोई सेल डालने पड़ते हैं। बच्चों को ऐसे ही खिलौने लेके देने चाहिए ऐसे, तो टूटते ना। बाकी सारी गाड़ियाँ इसकी चार्जिंग वाली, सेल वाली, पर ये सबसे अच्छी है ना। चलो दीदी कर रहे हैं सब्जी की तैयारी, इसे कूटते हैं, अचार बना रहे हैं। क्या बना रहे हो आज आप? घिया, घिया, घिया। यस। ओ मेरी ये मोट पे कार का, ये मोट पे क्या कर? नहीं तो। तातो ना। सब दे में ही होगा। इधर आ बता। एक मिनट बता, चलो अभी करूँगी। दीदी बना रहे हैं आज घिया के कोफ्ते, कढ़ाई रख दी कोफ्ते तलने के लिए। कोफ्ते तलेंगे। चाय के साथ दे देते पापड़ा। अरे मैंने अभी ये घी गरम करा, मैं क्या चल दो पापड़ी कर लूँ पहले। आदत है ना। तो गाइस यहाँ पे हो गए हमारे लंच तैयार, कृष्णा और मैं लगे हैं खाना खाने, फटाफट खाना खाते हैं। उसके बाद हमने बनाया है मैंगो केक, मैंगो केक पीते हैं। और मेरी गाड़ी इसी को काट को कितनी बार देखेंगे, देख तो ले लाते हैं और करते हैं ब्लॉग का एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार करें। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।